आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत करती हूँ हमारे बीच मंचासीन माननीय जी, और हमें हार्दिक खुशी है कि हमारे बीच कहा जाता है कि हद इतनी करो। अभी आप दिखाएंगे अपनी जोर दिए कितनी कामयाबी मिली है इस आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के इस तीसरे चरण को। यह शिविर तीसरा चरण का शिविर है। इससे पहले हम लोगों ने 2021 में शिविर चलाया था, उस समय भी गांव गांव पंचायत पंचायत टोले टोले में शिविर लगे। फिर 2022 में भी यह शिविर हम लोगों ने लगाया, अब 2023 में हम लोगों ने लगाया। और आपको हम बता दें कि झारखंड सरकार की इस मुहिम को पूरा भारत देश देख रहा है और कई राज्यों ने तो इस तरीके के कार्य भी बनाने शुरू कर दिए हैं। उन लोग भी अब गांव गांव में शिविर लगा करके आम लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है। कोरोना महामारी का बादल छटने लगा तो सरकार के कर्मचारी आपका दरवाजा खटखटा रहा था, आपके पंचायत में शिविर लगाकर जहां आने जाने का सड़क नहीं पुल पुलिया नहीं वहां पर ट्रैक्टर से बैलगाड़ी से मोटरसाइकिल से अपना ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर और प्रिंटर मशीन लेकर के बैठा रहा था, दिन भर बैठ तक के आपकी समस्या का समाधान करता रहा। आज इसके लिए हर एक योजना देखेंगे आप, सब गांव देहात से ही जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। आज किसानों के लिए योजना, आज बुजुर्गों के लिए योजना, आज महिलाओं के लिए योजना, हमारे कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए योजना और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी योजना और नौकरी, हर तबके के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए हमारी योजना। ना हिंदू देखती है, ना मुस्लिम देखती है, ना सिख ना ईसाई, सभी वर्ग सभी समाज के लोगों को समान दृष्टि से देखते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास की हम लोग लकीर खींच रहे हैं। हम लोग का गांव और शहर अभी कटा हुआ था, बहुत गांव ऐसा है जो शहर तक नहीं जुड़ पाया है। हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू किया है जिससे हर जिला में हर गांव में अब बस की सुविधा चलेगी, बसें चलेंगी वहां से गांव गांव से, और उस बस के अंदर हमारा इस राज का आंदोलनकारी, इस राज का बूढ़ा बुजुर्ग और महिला और जो हमारे स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं उसमें मुफ्त सफर करेंगे। आपके इसी लातेहार जिले में सिर्फ लगभग 550 किलोमीटर ग्रामीण सड़क को बनाने का निर्णय लिया गया है।
और जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपया भी खर्चा आएगा, जो सरकार ने निर्णय लिया है कि गांव का कोई सड़क नहीं बचना चाहिए, इसके लिए जो भी खर्चा लगे सरकार खर्च करेगी। सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजना, जो हमें यहां जानकारी मिली है, यहां सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। आपका यहां तो कम से कम 60,000 लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। 345 करोड़ 87,86,000 रुपए की ये कुल 130 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसके बाद वृद्धा पेंशन के लिए आएंगे, इनके बाद विशेष रहे, इनके बाद आएंगे सोन होती रहे। आपकी ओर से आप सब लाभ उठाते हैं इसका। तालीम 2006 के तहत लाभ उठाएंगे बिनेश्वर सिंह, प्राकृतिक आपदा के तहत जोड़ा बैल वितरण योजना के तहत राजू राम, रांथी देवी जी आएंगी, ज्योति आजीविका सखी मंडल प्रदान किया जाएगा। इसके बाद तालियां हो आपके यहां, जोरदार हो से निर्मित ये फलों